रेडी? ओ भाई साहब, चालू हो गया ना? चालू हो गया? हाँ। नमस्ते 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 भाई साहब, नमस्ते। तो हाँ, कन्फेशन ना, कन्फेस करने से पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। तो मेरा नाम है कचोरी, नहीं चोरी नहीं, कचोरी। वो क्या है ना, मेरे मम्मी पापा को कचौरी का बहुत शौक है। वो उनको इतनी पसंद है कचौरी कि मतलब इसलिए मेरा नाम कचौरी रख दिया। अरे मुद्दे पे आओ। तो मुद्दे की बात पे आते, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि हर जगह प्यार का माहौल छाया हुआ है। ललित मोदी और सुष्मिता सेन को ही देख लो कि कितने प्यार में है दोनों। नहीं मतलब उनको देख के मैं तो पहले शॉक हो गई थी कि ऐसे कैसे, मतलब ये कब हुआ पता ही नहीं चला। पर फिर बाद में मैंने गौर से जब पता लगाया ना, तब पता चला कि बहुत साल से ट्राई चल रहा था। ये तो रिजल्ट था जो हमें देखने मिला, और ये सब शुरू ही तब से हुआ था कि रिप्लाई टू माई मैसेज। तो आज मैं अपनी फीलिंग्स अपने पार्ट टाइम वन साइडेड बॉयफ्रेंड और फुल टाइम क्रश को बोलना चाहूँगी कि चिंटू, प्लीज रिप्लाई टू माई मैसेज, प्लीज। इतने दिनों से मैंने मैसेज करके रखा है, तुमने देखा तक नहीं है। प्लीज रिप्लाई टू माई मैसेज, इतना प्यार है फिर भी इग्नोर कर रहे हो मेरे मैसेज। इतना प्यार है तो मैसेज क्यों नहीं किया? प्यार तो मुझे है ना, उसको थोड़ी, वो तो मेरी बात कर रही हूँ मैं, वरना वो तो मुझे पहचानता भी नहीं है। मैसेज कैसे किया फिर? वो मतलब वो हुआ क्या था कि है ना, एक बार मेरा फोन खो गया था। हाँ, तो ये चिंटू आसपास से जा रहा था, तो मैंने उसको बोला कि भाई साहब, भाई साहब, तुम्हारे भाई साहब, मेरे नहीं। तो भाई साहब मेरा फोन खो गया है। तो उन्होंने उनके नंबर से मुझे कॉल किया था, और ताजुब की बात यह है कि मेरे पर्स में ही था फोन, पर फिर भी मुझे मुझे मिला नहीं था। फिर भी मुझे लगा कि खो गया है। तो तब से ही मुझे मुझे पसंद आ गए थे चिंटू जी। तो पर फिर भी चिंटू, मेरे मैसेज का रिप्लाई करो प्लीज प्लीज। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? भले तुम मुझे नहीं पहचानते हो, पर एक रिप्लाई देने को क्या जा रहा है तुम्हारा? पहले तो भी दो टिक्स दिखती थी, उस सहारे में खुश तो हो जाती थी, पर वो दो टिक्स अब एक टिक हो गई है। नेट चालू करो चिंटू, मेरे साथ ऐसा मत करो, रिप्लाई कर दो मेरे टेक्स्ट को प्लीज। मेरे साथ ये जुल्म मत करो चिंटू। मैं रोज चीटोस खाती हूँ ताकि तुम मुझ पे चीट ना करो कभी। चिंटू ऐसा मत करो, रिप्लाई दे दो मुझे। बोलो ना भाई साहब, इसको कोई बाहर मैं निकालो, यहाँ क्यों नहीं सिक्योरिटी। जा रही? ये मेरा आज कन्फेशन है, और मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक चिंटू मुझे मैसेज नहीं करता है। आप सुनिए हमारी बात, बाहर नहीं जाइए, चिंटू, अब जाइए, बाहर जाइए, आप प्लीज बाहर देखो जाइए। वहां पे लोगों को रिप्लाई तक मिल रहे, रिलेशनशिप में आ रहे, हम कब आएंगे? यहां से जाएंगे तो आ जाएंगे, जाइए। हाँ।